नमस्कार मेरे सभी भाइयों को, सभी मैकेनिक भाइयों को। कोई भी यदि अपना बिजनेस यूरिया डोजर पंप के उसमें बढ़ाना चाहता है, बॉश के यूरिया डोजर पंप जो आ रहे हैं महिंद्रा में, लीलैंड में और भी अदर गाड़ियों में जो आ रहे हैं, तो वो हमसे ज़रूर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मशीन और ट्रेनिंग दोनों अवेलेबल हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है ये प्रेशर सेंसर के ऊपर है और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल देखेंगे एकदम सटीक तरीका प्रेशर सेंसर की टेस्टिंग का कि भाई यदि आपके पास जो है कॉमन रेल आती है और इंजेक्टर आते हैं और पंप आते हैं टेस्ट होने के लिए और आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि प्रेशर सेंसर जो है सही है या नहीं है, या गाड़ी पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रेशर सेंसर की वायरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। क्योंकि हमारे जो मशीन होती हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, जो डिब्बे होते हैं सीआरडीआई के सिमुलेटर, तो उस पे प्रेशर सेंसर की जो स्थिति है वो सही तरीके से पता नहीं चल पाती है। तो गाड़ी पे जो है हम उसको बिल्कुल सटीक तरीके से देखेंगे कि ये सही है या खराब है। तो उस चीज़ के लिए जो है अभी आपका ध्यान जो है स्क्रीन पे आप दें। ये यहाँ पे हमारी जो है कॉमन रेल है और ये प्रेशर सेंसर है और ये प्रेशर सेंसर का कपलर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो कपलर है, ये वाला जो कपलर है, इस कपलर के अंदर ये जो तारें देख रहे हो आप, लाल वाली, पीली वाली और जो ब्लैक वाली है, तो इन तारों पे जो वोल्टेजेस आने चाहिए वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये हमें सबसे पहले देखना है। लाल वाला ऑब्वियसली आपका जो है सेंसर की जो सप्लाई वोल्टेज है उसका है, मतलब सेंसर को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। अब प्रेशर सेंसर को कितना वोल्टेज मिलता है उसे चालू करने के लिए, उसे जगाने के लिए 5 वोल्ट उसे जो है मिलते हैं। दूसरा जो सिग्नल है, सिग्नल जो प्रेशर सेंसर निकालता है वो निकालता है 0.5 वोल्ट से लेकर के लास्ट उसका जाता है 3.2 वोल्ट ऐसे करके, और जो हमारा ग्राउंड है वो तो अर्थ है बैटरी का, 0. आपका 0.2 इस तरीके से वोल्टेजेज आने चाहिए इस पे। लेकिन ये जो सिग्नल वायर है ये जब प्रेशर सेंसर से लगा हुआ है तो ये रीडिंग देगा 0.5 वोल्ट से लेकर के आपका 3.2 3.3 वोल्टेज, मतलब जब हम एक्सेलरेटर दबाएंगे तो वो वोल्टेजेस बढ़ेंगे तो लास्ट में 3.3 वोल्ट वो जाएंगे, उस समय ये इतना वोल्टेज देगा। लेकिन जब हम इसको खोल लेंगे इस तरीके से, तो इस पे हमको जो है खोलना है पहले इस कपलर को, प्रेशर सेंसर से अलग करना है और फिर इस पे वोल्टेज चेक करने है। चेक करने का तरीका क्या है, एक मल्टीमीटर लोगे आप, मल्टीमीटर का जो काला तार है वो बैटरी के नेगेटिव काले तार पे जोड़ दो, ठीक, उससे अटैच कर दो, कैसे भी क्लिप से अटैच कर दो या कैसे भी कर दो। जो लाल तार है मल्टीमीटर को वोल्टेजेस पे लेना है और लाल तार को एक एक करके सबसे पहले सप्लाई में 5 वोल्ट आएंगे। यहाँ पे जो आपका सिग्नल है, अब सिग्नल तो अभी इसे मिलेगा नहीं, खुला हुआ है तो सिग्नल देगा प्रेशर सेंसर, लेकिन ये कपलर निकला हुआ है तो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज आएंगे आपके लगभग 4.5 या 5 वोल्ट तक, और ये हमारा जो है ये ग्राउंड है, ठीक। तो इस तरीके से आपको सिग्नल मिलेगा जब हम इसे लगा देंगे। तो लगाने के बाद जो है, अब हमने इसको लगा दिया है और बैटरी केबल जो है गाड़ी को जो है इग्निशन पे यानी स्विच ऑन किया है, तो उस समय जब हम देखेंगे सिग्नल वायर, ये सिग्नल वायर को हमने बैक प्रोब कर रखा है पीछे से ही, आप सीधे ये मत लगा दीजिएगा क्योंकि जो प्रोब होती है मल्टीमीटर की सीधे वो मत लगाना, एक नीडल या पिंस भी आती हैं बैक प्रोब पिंस, वो भी लगा सकते हैं, या नीडल जो सुई होती है आम घरों में मिल जाती है वो लगा दो, और उसके बाद लाल तार को उस सुई से जब अटैच करोगे तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 0.5 वोल्ट ये आपको मिलेगा इग्निशन ऑन पे। अभी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं किया आपने, केवल इग्निशन ऑन किया है आपने, ठीक। और यदि आप चेक करेंगे आपका जो सप्लाई है, सप्लाई को जैसे बैक प्रोब करेंगे तो आपको 5 वोल्ट और मिलेगा और ग्राउंड पे तो आपको 0.2 ऐसे वोल्टेजेस मिलने चाहिए जो आपको मिलेंगे, ठीक। अब जब हम गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट करके जब गाड़ी खड़ी है, जब उसमें 350 बार या
400 बार का प्रेशर होता है लगभग, तो उस समय जो वोल्टेजेस आपको मिलेंगे वो 1.1 एक से ऊपर मिलेगा। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर डेंसो का सिस्टम है ठीक, तो यहाँ पे जो आपको 0.5 वोल्ट मिल रहे हैं, अगर डेंसो का सिस्टम है तो 1.0 वोल्ट या इससे थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा खड़ी गाड़ी में इग्निशन ऑन पे। ये बॉश डेल्फी में आपको 0.5 वोल्ट मिलेगा, डेंसो में 1 वोल्ट लगभग आपको मिलेगा। और जैसे जैसे हम गाड़ी को रेस देते आएंगे, ये 1.1 वोल्टेजेस जो इस सेंसर के लिए स्टार्ट गाड़ी में है, खड़ी गाड़ी में बिना एक्सेलरेटर के, जैसे एक्सेलरेट करेंगे ये वैल्यू जो है 3.3 वोल्ट्स तक पहुंच जाती है। तब वो जो प्रेशर होता है रेल के अंदर वो लगभग 1200-1300 बार जो है रीच करता है। तो अगर ये प्रेशर सेंसर खराब होगा तो हमें कैसे पता लगेगा? ये तो सही की रीडिंग है ना, लेकिन जब ये खराब होगा तो हमें कैसे पता लगेगा? जब प्रेशर सेंसर खराब हो जाएगा तो यहाँ जहाँ पे आपको 0.5 वोल्ट मिलते हैं बॉश और डेल्फी के लिए और 1 वोल्ट मिलता है डेंसो के लिए, वहाँ पे आपका वोल्टेजेस आ जाएंगे लगभग 4.65 या 5 वोल्ट ऐसे करके, या 4.98 ऐसे करके जो वोल्टेजेस आपको रिफ्लेक्ट होने लगेंगे सिग्नल पे। तो इसका मतलब है आपका प्रेशर सेंसर जो है वो खराब हो चुका है। उसको यदि आप लगाएंगे तो आपकी गाड़ी में दिक्कत बढ़ती जाएगी। क्या दिक्कत बढ़ेगी ये भी हम बता देते हैं। दिक्कत जो है जब प्रेशर, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये सिग्नल दे रहा है 4.65 4.98, तो ये मैक्सिमम प्रेशर का है, ये वो प्रेशर को भी पार कर जाएगा जो फुल एक्सेलरेटर देने पे आता है। फुल एक्सेलरेटर पे यदि प्रेशर आपका जो है मान लेते हैं 1300-1400 बार है, तो उसको भी पार करके ये 1700-1800 बार तक चला जाएगा। इतने प्रेशर पे इंजेक्टर जो है, जो इंजेक्टर का एलिमेंट है वो खराब हो जाएगा धीरे 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 धीरे। और कुछ गाड़ियों में जैसे 1100 है या 1600-1600 है, उसमें तो 20-25 किलोमीटर आप चलाओ इस कंडीशन पे जो है गाड़ी वो इंजेक्टर खराब हो जाएंगे। अब आप दोबारा इंजेक्टर रिपेयर कराओगे, लगाओगे, उसको चेक नहीं करोगे, वो दोबारा से फिर इंजेक्टर खराब हो जाएंगे, तीसरी बार भी खराब हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके जो है वो दिक्कत जो है आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए प्रेशर सेंसर ज़रूर ज़रूर टेस्ट करना है। और गाड़ी पे आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं यदि आपकी मशीन पे आप नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसा कोई हाईफाई तरीका नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, बहुत आसानी से कर लोगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी और ज़रूर इस तरीके को आप ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी अपने डायग्नोसिस में। धन्यवाद।